फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश बच्चों एकदम फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं। और इस टाइम पे देखिए बारिश कितना अच्छा हो रहा है, बारिश हुई भी है, मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बारिश हो रही है। और हम जा रहे हैं बाहर, अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो देखते हैं क्या मिलता है बाहर से। दिल कर रहा था हलवा पूरी खाने को, तो शायद दिल चाहे हलवा पूरी, तो चले चलते। फाइनली हमें जो है ना वो पूरियाँ मिल गई हैं, तो अभी जी हमने हलवा पूरी ले ली है, अब बस हम घर जा रहे हैं। और जनाब यहाँ पे देखे मौसम, हम घर पहुँच गए थे तो मौसम देखे अभी भी बड़ा प्यारा हुआ है, ठंडा मौसम था। और आज वैसे भी छुट्टी का दिन था, अभी ये व्लॉग जो है वो मेरा मंडे का है और उस दिन छुट्टी थी, तो इसलिए हमने हलवा पूरी का नाश्ता किया। हमने कहा कि जी बाहर से लेकर लाजमी आ जाना है, हलवा पूरी का नाश्ता किसको पसंद नहीं होता। और मौसम ऐसा हो तो फिर तो और ही ज़्यादा अच्छा होता है, वो कहते हैं ना सोने पर सुहागा हो जाता है। तो वो यही वाली बात है कि जी आपका मौसम भी अच्छा हो, बारिश वाला और इस तरह का दिल कर रहा हो, तो फिर तो और ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और खैर जनाब हमें बड़ी मुश्किल से ये जाकर मिल गई थी, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था कहाँ से मिलती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में और आसपास कहीं भी नहीं है। नान चने की और जगह पे होती है, बोंग होती है, लेकिन ये नहीं मिल रही होती, पता नहीं क्यों। बट खैर जनाब हमने फाइनली जो है हलवा पूरी खा ली और मुझे बड़े मज़े की लगी थी वैसे, और माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ी पूरी थी, ठीक है। और ये मेरे ना जो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट नाश्ता लगता था ना, वो ये होता था कि या तो हलवा पूरी हो या फिर जो नमकीन चाय के साथ सेवैयाँ होती है ना, वो बड़ी मज़े की लगती हैं। तो खैर जनाब यहाँ पे हमारा हो गया जी नाश्ता, और अब ये जो है ना ये रात का क्लिप है, और इसमें हम लोग वैसे ही बाहर निकले थे और इरादा बिल्कुल भी नहीं था खाने का, नहीं कि ऐसे ही जाने का प्रोग्राम बना के चलो कबाब ले लेते हैं। बट क्या हुआ कि जब हम शॉप पर पहुँचे तो वो कहते हैं कि जी जो कबाब का जो है ना रेशमी कबाब का जो है ना वो चिकन नहीं है, हमें पहुँचा तो इसलिए वो नहीं है। तो फिर हमने इरादा भी कर दिया कि हमने तो वही खाना था, फिर हमने कहा कि चलो हम ना पुलाव ले लेते हैं। लेकिन जब हम इस दुकान शॉप पे आए ना कराची नसीब बिरयानी पे, तो यहाँ पे जो था ना वो हमें बिरयानी मिल गई थी, पुलाव ख़त्म हो चुका हुआ था। खैर जनाब हमने कहा चलो इन बिरयानी से ही काम चला लेते हैं, तो खैर हम बिरयानी लेके घर पहुँच के मैंने कहा कुछ ना तो कुछ बेहतर ही होता है। आज हम बिरयानी खाने लगे हैं, लेने हम रेशमी कबाब गए थे लेकिन मिल बिरयानी गई है, तो अभी हम ट्राई करते हैं उसको बिरयानी को। बिरयानी चले जी हम खाना खाते हैं, क्योंकि गरम गरम चावल है। और जी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, और लाइक बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली मेरी वीडियो जो है ना वो मिल सके। और जनाब बस यहाँ पे मैंने बच्चों को भी सबको दे दी थी, और यहाँ पे अब मैं खुद खाने लगी थी। और यहाँ पर जो है ना हर डब्बे के अंदर जो है ना हर बॉक्स के अंदर आप कहेंगे हरी मिर्चें इतनी ज़्यादा डली हुई थी, और इतनी स्पाइसी बिरयानी थी ना ये, इसलिए हम कह रहे थे कि शायद हम ना पुलाव इसका टेस्ट करते हैं। बिरयानी हम पहले भी खा चुके हुए थे, तो बस खैर जनाब हम इंजॉय करते हैं। जनाब इस टाइम पे मैं करने लगी हूँ जी कपड़े प्रेस, क्योंकि कल बच्चों की जो है वो ईद मिलन पार्टी है, और मैं बेड पे बैठ के कर रही हूँ क्योंकि खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरे में, पता नहीं कि वो इतनी सुस्ती हो रही है ना सच्ची में। हालाँकि मैंने कुछ आज इतना काम किया नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है। तो खैर जनाब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।